वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग CSR UGC नेट जून 2020 की आंसर की के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है CSR UGC नेट की एक आंसर की अपलोड कर दी गई है, अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड की गई है। तो आपको कैसे आंसर की डाउनलोड करनी है और किस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो अपना, तो देखो यहाँ पर आप जैसे ही वेबसाइट पर जाओगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है csirnet.nta.in। तो इस वेबसाइट पर जाते ही आपको यहाँ पर ये तो दिख जाएंगे पब्लिक नोटिस। तो ये पब्लिक नोटिस आया है अभी और यहाँ पर दिख जाएगा आपको नीचे रेड कलर में लिंक। इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे, लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन तो है थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड और एक ऑप्शन है थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यदि आपको पासवर्ड याद है तो पासवर्ड से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हो, या डेट ऑफ बर्थ से, यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ से आंसर की डाउनलोड कर सकते हो। तो देखते हैं किस प्रकार से आंसर की डाउनलोड होगी। तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पर मेरे किसी फ्रेंड के डाउनलोड करता हूँ आंसर की, तो उसके क्रीडेंशियल लगाकर मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर वाले फॉर्म ऑप्शन में एप्लीकेशन नंबर भरना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर में यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। ये डाटा भरते ही आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत नया पेज खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो ये आपका स्टेटस दिखा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर कंप्लीट है, इमेज अपलोड वगैरह सब कंप्लीट है। तो यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर जॉइंट CSR UGC नेट जून 2020, नाउ डाउनलोड द एडमिट कार्ड। तो आप एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन थे, यहाँ पर देखो आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो क्वेश्चन पेपर आप चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए थे, कौन से गलत किए थे। और यहाँ पर यदि आप कोई क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन। तो ये इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जिसे पहला क्वेश्चन है जिसमें समीकरण है ये, और उसमें यहाँ पर साइड में आपको दिख जाएंगे ये आपके क्वेश्चन टाइप MCQ। और यहाँ पर देखो ये नोट आंसर्ड है, यहाँ पर क्वेश्चन ID है और ये क्वेश्चन ID है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन ID आपको आंसर की से मैच करनी है। तो ये क्वेश्चन ID जैसे ही आप आंसर की डाउनलोड कर लीजिए उसमें ये IDs आप मैच कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन आंसर की अलग से डाउनलोड कीजिए और इन IDs को मैच कर लीजिए। IDs को मैच करते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि कौन से सही थे और कौन से गलत थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास ये आपके ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आंसर कीज का। तो आंसर कीज यहाँ पर जैसे ही देखोगे आप तो ये आ गई आपके पास आंसर की। तो क्वेश्चन IDs हैं जो आप अपने क्वेश्चन पेपर में मैच कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन ID करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, ये तो करेक्ट ऑप्शन है। ये देखो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन ID है और ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्लेम कर सकते हो आप यदि आपको कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो तो चैलेंज भी कर सकते हो। और यहाँ से आप मैच कर सकते हो कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन से क्वेश्चन गलत हैं, और अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो ये था बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कि हमने यहाँ पर जाना कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करनी है और मैच करना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।